और देहरादून के परेड ग्राउंड में आज उत्तराखंड युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित करके महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में आईआईटी रुड़की और माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही एमओयू ये साइन किया गया है। आईआईटी रुड़की और माइक्रोसॉफ्ट की ओर से युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल्स को भी लॉन्च किया है और इस पोर्टल के माध्यम से युवाओं को न सिर्फ रोजगार की जानकारी मिलेगी बल्कि इस पोर्टल में विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के जरिए खाली पड़े पदों की जानकारी मिल सकेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में काम कर रही है। वहीं कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि इस तरह के महोत्सव का आयोजन पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। पूरे प्रदेश के अंदर युवाओं को आगे लाने के लिए, युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार निरंतर से काम कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ देश के अंदर 10 लाख लोगों को सीधे सीधे सरकारी नौकरियों से जोड़ने का काम हो रहा है, उसमें भी हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है और लगातार इस प्रकार के रोजगार के मेले और महोत्सव आयोजित कर रही है। और जो क्षेत्र हैं, प्राइवेट क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में हमारे नौजवानों को, युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, उसके लिए आज बहुत सारी जो अलग अलग संस्थान हैं उनके साथ बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं, उन सबके साथ MOU भी साइन किए हैं और विदेशों के साथ भी, विदेशों में भी हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं, नौजवान युवा स्किल लेकर वहाँ भी जाएं, वो भी रोजगार से जुड़े। आज जापान भी हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और आने वाले समय में जर्मनी, इंग्लैंड में, अन्य देशों में भी हमारे राज्य के नौजवान युवा अपनी सेवाएं देंगे। हम इस ओर लगातार प्रयासरत हैं और हर कीमत पर नौजवानों और छात्रों का हित हमारे लिए प्राथमिकता है, उसको हम प्राथमिकता कर रखकर अपनी नीतियों को भी बना रहे हैं और सरकार में बहुत सारे फैसले ले रहे हैं और भविष्य में भी लेते रहे। सर, कार्यक्रम तो बहुत अच्छा लगा। हमारे जो नई शुरुआत NCSC का है, ये हमारे दिव्यांग जनों के लिए, जिसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है, अच्छे से सिखाया जा रहा है, जिसमें हम कंप्यूटर के लिए नई नई प्रशिक्षण के लिए हमें अच्छी खास वो दी जा रही है, नई शिक्षण दी जा रही है, जिसके लिए हमें तैयार किया जा रहा है, हम आगे जॉब कर सकें।